गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है थर्सडे, निफ्टी की एक्सपायरी, अभी हम ऑफिस में आ चुके हैं और प्री मार्केट हमें 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो ओवरऑल प्रीमियम जो कल थे वो बहुत ही कम थे, अराउंड 14:39 कुछ तो स्ट्रगल क्लोज हुआ था एंड अभी गैप अप है तो ऑल डाउन हो गए, तो न्यू लो देखने को मिल सकता है प्रीमियम में। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना आज अच्छा नहीं रहेगा, तो डिफिकल्ट हो सकता है। तो अराउंड 60,000 पे हम क्लोज करेंगे ट्रेड और 20,000 की रिस्क लेके और जो रिस्क ऑफ ट्रेड रहता है रिकवरी ट्रेड वो डालेंगे। तो ओवरऑल जो मैक्स लॉस है वो 80,000। तो देखते हैं ट्रेड लेने के बाद आपके साथ पोजीशन को शेयर करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:31 और करंट MTM अराउंड 7,000-8,000 का प्रॉफिट है। तो ये पोजीशन है हमारी, अभी 18,200 का पुट शॉर्ट है और 18,350 का कॉल शॉर्ट है। और मार्केट देखो बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ है, तो उसकी वजह से प्रीमियम भी ओवरऑल डीके हुआ है, मतलब ओवरनाइट डीके बहुत ज़्यादा हुआ है। तो टोटल अभी प्रीमियम देखो बहुत ही कम है, ये पुट का एट द मनी 40 है और कॉल का है 23, तो ऑलमोस्ट है 63 प्रीमियम, तो बहुत ही कम है। तो इसमें पूरा दिन अभी मैनेज करना पड़ेगा, तो देखते कैसे होता है। और अभी तक के लिए तो बैलेंस है, पर कॉल देखो बढ़ रहा है, जब ऊपर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये पूरा प्रॉफिट हमारा जा रहा है। तो अगेन अगर ऊपर जाने लगता है, हाई ब्रेक करता है डे हाई, तो एक एडजस्टमेंट होगी, हम डिस्काउंट करेंगे पुट साइड। और जब नीचे ये लो ब्रेक होता है तब प्रीमियम बढ़ेंगे, मतलब आई भी बढ़ सकता है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं कैसे होता है एडजस्टमेंट। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 और जो हम प्रॉफिट में थे अभी लॉस में है फिलहाल 17,000-16,000। ये लॉस 25,000 तक गया था मैक्स, अभी रिस्क ऑन हुआ है। देखो कॉल को रिस्क ऑन किया है मार्केट, यहाँ से जब लो ब्रेक किया ना ये कैंडल में, इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ओवरऑल प्रीमियम बहुत ही कम है, इसके वजह से एक 30 पॉइंट्स की कैंडल पे प्रीमियम बढ़ते और लॉस दिखता है, तो डिफिकल्ट तो रहने ही वाला है। अगर जल्दी से अभी फिर से एडजस्टमेंट लगती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने का खतरा भी है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल तो ये लॉस चल रहा है। तो अभी गाइज टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45 और जो प्रॉफिट हो 27,000 का चल रहा है, 26-27, जो कि सुबह 12-11 बजे 30,000 तक गया था, बट फिर यहाँ से देखो एक फॉल आया। तो जब ये फॉल हुआ इसमें पुट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, 5 रुपये का पुट अराउंड 20-30 तक गया था कुछ, तो आई भी बढ़ गया था ओवरऑल, कॉल के जो प्रीमियम थे वो भी डाउन नहीं हो रहे थे, तो इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा हमें ड्रॉडाउन देखने को मिला। तो 30,000 से सीधा हम एक बार लॉस में भी गए थे, अराउंड 6-7,000 का लॉस दिखा था, और फिर से उसको मैनेज करते करते अभी ये वाला एरिया ना इसमें भी हुआ था लॉस, पर अभी इसके बाद देखो साइडवाइज हुआ है तो फिर से आ गया प्रॉफिट। और जो लेवल वगैरह मार्क है तो प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, तो करेंगे मैनेज अभी। और लेवल जो मार्क है वहाँ पे देखो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट एंड देन ये सेकंड सपोर्ट, ये सपोर्ट को टेस्ट किया अभी चालू। और ये हमने ब्रेकआउट दिया था लाइव, हमारी स्ट्रीमिंग है इसमें ब्रेकआउट दिया था, देखो डाउन ट्रेंड चालू है, तो हम बोला था अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे वाला ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट मिल सकता है और ये थर्ड वाला, तीनों टारगेट यहाँ पे हिट हुए नॉन स्टॉप। स्ट्रीमिंग चालू है देखो यहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं देखते तो, एक्सपायरी के दिन हम मोस्टली करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। और अभी देखो कॉल बढ़ रहा है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको अभी रिस्क ऑफ करेंगे अगर कॉल बढ़ता है तो, और देखते हैं आज कितना होता है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते। प्रॉफिट अभी देखो बढ़ गया कॉल, तो 18,000 पे आया देखो प्रॉफिट, देखते हैं क्या होता है, अगर रिस्क ऑफ करना पड़ता है तो रिस्क ऑफ कर देंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:52 और ये पोजीशन है हमारी, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो अभी ब्रेक इवन चल रहा है, तो ये कैंडल देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल भी नहीं थी, अराउंड 41 पॉइंट्स, मतलब ठीक ठाक कैंडल थी, तो कॉल ने बहुत बड़ा गैमा स्पाइक दे दिया था। तो हम इसका चार्ट देखते हैं, हमारा ये था 18,200 पुट था, तो इसका चार्ट देखो, ये देखो गैमा स्पाइक, ये चल रहा था 14 तक,
12-14 चल रहा था वो गया है 48 सीधा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी। ये देखते हैं इसका चार्ट अभी करंटली हमारा है वो, तो ये देखो ये 3.5 चल रहा था वो गया सीधा डायरेक्टली 19 तक। तो ऐसे गामा स्पाइक हो रहे पर हमने स्टॉप लॉस लगाया ऑलमोस्ट 11 को लगाया था, हिट हो गया। नहीं तो ये देखो कितना बड़ा, बस एक मतलब मिली सेकेंड में हो रहा है इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें भी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है अभी स्टॉप लॉस लगाए हैं हमने, ये देखो स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो नेक्स्ट सेल। अभी देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट का चांसेस तो अभी कम लग रहे, अभी 2 बजे और ब्रेक इवन ही चल रहा है। ठीक है अभी देखते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4:38, एक्सपायरी हो चुके, एक घंटा हुआ है क्लोज होके मार्केट। तो थोड़ा काम था इसकी वजह से ही आउट्रो वीडियो में लेट हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट में एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट गया उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, और ये सारे सपोर्ट टेस्ट किया जो परसों का लो, कल का जो लो था ये भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिए। तो जब ये फॉल हुआ ना, ये बड़े बड़े कैंडल, ये वाली कैंडल, एक ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, तो इसमें पुट बहुत ज़्यादा स्पाइक दे रहे थे, तो मैनेज करना टफ था और यहाँ से प्रॉफिट भी निकलना टफ था। तो हमारा हुआ है आज 10,000 बुक, जो कि ठीक है, मतलब जो मोमेंट है अच्छा है। अगर यहाँ पे देखो मोमेंट तो लॉस भी हो सकता था। और हमने ट्विटर में देखा बहुत सारे नॉन डायरेक्शनल सेलर्स से, है उनको लॉस है आज से। और 3 एक्सपायरी लॉस है, हमारा प्रॉफिट है, मतलब अच्छे से मैनेज किया स्टॉप लॉस लगा के, तो हो गया अच्छे से। ठीक है इसमें से कुछ थोड़ा फर आएगा, बाकी जाएगा ब्रोकरेज में, बट ग्रीन में क्लोज किया है वही आज बड़ी बात है। ये जो स्ट्राइक है देखो, ये जीरो हो चुके, 18,200 का कॉल और 18,050 का पुट। आखिरी में जो हमारा जो पुट था वो 18,100 पे था, और अराउंड 3:15 बजे मतलब एवरेजिंग होने के बाद भी यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, तब वहाँ पे उस पुट ने रिएक्शन दिया, तो वो भी 1 रुपये से 4 तक गया था, वो उसमें हम 3 रुपये पे निकल गए। बिकॉज निकलना पड़ता है, अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ते तो बहुत नुकसान भी हो सकता था, अगर वो हिट नहीं होता तो यहाँ पे 30,000 हो जाते, बट ठीक है कुछ कर नहीं सकते। 10,000 रुपये आज क्लोज किया है और आज की एक्सपायरी बंद कर दी है। तो अभी ट्रेड तो हो गया, अभी जा रहे हैं घर पे। तो आज मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा मैनेज किया हमने, कुछ भी मिस्टेक नहीं की, परफेक्ट एडजस्ट। जब हाँ एडजस्टमेंट लगती है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो परफेक्टली लगाया। थोड़ा सा अर्ली हमने अप्रोच किया है, मतलब जब स्पाइक देता है उससे पहले ही निकलना, तो वैसे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया है और 3 एक्सपायरी वैसे ही कर रहे हैं। तीनों एक्सपायरी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अभी इस एक्सपायरी थोड़ा कम है बस। ठीक है अभी जब अच्छी एक्सपायरी आती है तो और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, अभी तीनों एक्सपायरी बहुत ही डिफिकल्ट थी। ठीक है अभी जाते हैं घर पे, अभी मिलेंगे कल या फिर मंडे को, नहीं तो हाँ लाइव स्ट्रीमिंग करते, लाइव स्ट्रीमिंग ट्रेड करते तो ब्लॉग आएगा, नहीं तो डायरेक्टली जब ट्रेड करेंगे तब मिलेंगे। एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, अभी हम बहुत ही क्लोज है 1,000 के, कर दो गाइस जल्दी प्लीज, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए आपका, शेयर कर दो इधर उधर चैनल को और सब्सक्राइब करो। तो अगर इसी आपका मोटिवेशन अगर मिलता है तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो डालने की ट्राई करेंगे, और स्ट्रेटेजी डालेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी डेली करेंगे, तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए गाइस। सब्सक्राइब तो डालते हैं हम अच्छे, बट अगर और ज्यादा आपसे मिलता है तो और मतलब अंदर से आएगा अच्छा करने को, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, और जल्दी से 1,000 होना चाहिए गाइस प्लीज़। स्पेशल वीडियो भी आएगी फिर, हमारे जो ट्रेड रहते हैं एक्सपायरी पे उस पर डिटेल एक सीरीज आएगी, तो जल्दी से कर दो 1,000 सब्सक्राइबर, और इस चैनल इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।